हाँ आराम चलो चलो भाई चलो ध्यान रखना नहीं बाय। घर में जैसे एंट्री करती हूँ घर युवा मिलता है, अर्जुन के सूज, अर्जुन के सॉक्स, अर्जुन के स्कूल बैग, बॉटल सब रास्ते में बिखरा मिलता है, जिसको मैं एक एक करके समेटती हूँ और अपने साथ ले जाती हूँ ऊपर, क्योंकि स्कूल से आने के बाद अर्जुन रास्ते में जैसे नहीं सीता माने हैं अपने गहने गिराए तो वैसे अर्जुन गिरा के जाते हैं। दोपहर के 2 बजे जो अर्जुन पीछे शोर कर रहे हैं, एक्चुअली बर्फ़ को तोड़ रहे हैं, तो मुझे इमरजेंसी में अर्जुन के पास जाना पड़ेगा वरना वो घर में कर देंगे शैतानी तहस नहस। और मेरे घर आने तक अर्जुन अपना सारे ड्रेस वगैरह उतार देते हैं, जो गुड बॉय हो गया है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? बर्फ निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। अब इसको फ्रीजर में डाल के आओ और फिर हम लोग लंच करेंगे। चलो, मैंने भी नहीं लंच किया आज। ओके, तो इस टाइम होता है कि मैं आने के बाद, अब देखिए 1:45 हो गया है, अब मैं अर्जुन को लंच कराऊंगी, इसके बाद मैं खुद करूंगी लंच, इसके बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्लीन अप वगैरह फेस को क्लीन करती हूँ, ऊपर इतनी सारी धूप डर्ट पॉल्यूशन से मैं गुजर के आती हूँ जो शोर कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हम आपकी अपनी सुंदरता को दिखाते हैं, आप मतलब हम अपनी स्किन केयर करते हैं, तो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और इसके बाद हम एक टोनर भी प्रिपेयर करेंगे, वो भी अपने बालों के लिए। मैं आपको रेमेडी हर ब्लॉग इसलिए बताती हूँ जैसे कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और मेरा एक तरफ मन भी कर रहा है कि मैं अपनी हेयर कट कर लूँ, थोड़ा सा छोटे कर लूँ बाल, देखते हैं क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी। फिलहाल मैं अर्जुन को लंच कराती हूँ, बालों को सही से टाई नहीं किया, कम नहीं किया, और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर और हम पूर्ति और आर दीदी आज थोड़ी आउटिंग करेंगे साथ में। और कितनी खुशी होती है पता, अगर सारी बहनें अलग अलग शहर में होती तो शायद एक दूसरे से इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, और जबकि हम लोग इतने पास हैं और जनरली थोड़े दिन बाद मिलने लेते, फिर भी इतनी एक्साइटमेंट होती है दीदी से मिलने के लिए कि कई बार बहुत सारे बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि हमें मिलना है, तो हमें क्या प्लान करना होगा कि हम लोग मिल लें। और आज हम पूर्ति, आरती दीदी और मैं आज मिलकर करेंगे हरदोई को एक्सप्लोर, थोड़ा बहुत करेंगे, बहाना है सिर्फ मिलने का है। और मैं थोड़ी सी थ्रेडिंग वगैरह करा लूँगी और थोड़ा सा सामान भी लेना है मुझे भी, तो मैं वो ले लूँगी और इसके बाद फिर निकल। क्या गिर गया? अरे कोई बात नहीं, उससे खेलो ऐसे, क्रैक्स वाला टॉय, नेक्स्ट टाइम क्रैक्स खाएंगे फिर निकल आएगा। ओके, पहले आप आओ, पूर्ति मासी से मिलने के लिए खुश रहो ना, हैप्पी। इतने टॉय होने के बाद भी आप छोटे से क्रैक्स के लिए रो रहे हैं पगले बच्चे, पर आपने क्यों लेके आए ऐसे टॉय बाहर? दादी रखे भूल जाती हैं वो। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, हम दोबारा क्रैक्स खाएंगे, कुछ ना कुछ निकल आएगा, ठीक है? ओके, पहले हम फोकस करते हैं पूर्ति मासी से मिलने के लिए, ठीक है, और आरती मासी से मिलने के लिए। हाँ ठीक, लॉक से बस ढूंढेंगे आगे। लोग आ गए, हम लोग पार्लर में थे और देखो कोइंसिडेंट नहीं, मतलब प्लान था हम लोगों का मिलने का, प्लान था पूर्ति ने बनाया है कि इनकी शॉपिंग करवाओ, इनका मेकअप करवाओ, ये सब करवाओ, तो हमने कुछ नहीं करवाया, इन दोनों ने करवाया। हाँ एक्चुअली मुझे थ्रेडिंग करानी थी, तो थोड़ा चेहरा वैसा लग रहा था थ्रेडिंग।
कुर्ती मार के बैठो, तुम इधर बैठो, अर्जुन हाँ ठीक है बैठ के तुम उधर, चलो लेट्स गो जी भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं रात के 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फोर्टिकोसी ऑफ करने, क्या बोलते हैं, स्टेशन जाऊँगा, इसलिए वो जा रही है बाहर घूमने के लिए। तो बस ऐसे मुझे लगा कि चलो अपना मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फिलहाल नीरज कार निकाल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपूर्ति से मिलने के लिए। और एक अलग खुशी होती है अपनी बहन से मिलने के लिए, जबकि मैं कल ही मिली थी उससे, बट फिर भी एक ना होता है कि हाँ यार चलो मिल लेते हैं, अलग ही मतलब बहन से मिलने की खुशी अलग होती है। चलो चलते हैं बाहर। स्मार्ट लग रही थी आना जी, आज भी लग रही है, उतनी गंदी नहीं आने लग रही है, थोड़ी सी गंदी तो है ना। बोला गाड़ी बहुत अच्छी है पर वो गंदी हो गई है, नहाती नहीं है ना रोज। इसको मैं रोज नहाऊंगा, बड़े हो जाओ। कल मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, अच्छा लग रहा है ये। आप अंकल से दोस्ती कर लो बाबा से, तुम कहीं छोड़ दिया करेंगे आके। जबरदस्ती जो गैस छुट्टी होगी तो प्यार में बहुत टाइम है। अब आगे जाते हैं, बाय, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। बैग ले लिए सारे, ठीक है बाय, ले लिए, ठीक ठीक बाय, चलो बाय। और क्या,
हम लोग खाने जा रहे हैं, अर्जुन को खाने आधी रात में, चलो बैठो। इसको पकड़ के रखना वरना गिर सकती है। अच्छा।